आज हम मंगवा रहे हैं द बेस्ट प्रीमियम बर्गर्स इन दिल्ली एनसीआर और पूरे इंडिया में भी। आज हम मंगवा रहे हैं लुई बर्गर से एंड यहाँ पे हम मंगवा रहे हैं अराउंड 5400 रुपीज के बर्गर्स। पिक इट देम। सो गाइस, ये दो थैले भर के हमारे बर्गर्स आए हैं। टोटल 8 बर्गर्स हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर गोमे बर्गर्स। और इसमें ना एक नोट भी होता है कि जो आपका बर्गर है वो किसने बनाया है। सो थैंक यू राकेश फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग मील फॉर अस। और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं सारा सामान। काफ़ी अच्छी पैकिंग है, द कलर इज़ वेरी नाइस, रेड अच्छा जा रहा है हमारे ब्लैक के साथ भी। इस पर लिखा हुआ है दिस इज कोरियन चिकन विंग्स, चिकन पॉपकॉर्न एंड दिस इज चिकन विंग्स नॉर्मल, दिस इज फ्राइज, तो ये देखो, ये एक आपको कमाल की चीज दिखाता हूँ। सो व्हेन यू आर ऑर्डरिंग फूड, वो भी आप अच्छी जगह से और गोमे, तो दिस इज ट्रफल फ्राइज। तो ये फ्राइज की जो खास बात मुझे लग रही है ना कि ये देखो, दीज आर वेरी थिक स्किन ऑन एंड स्टिल क्रिस्पी। ट्रफल का इतना अच्छा टेस्ट है इसमें। वाओ, आई थिंक इससे प्रीमियम फ्राइज डिलीवरी में इंडिया में नहीं आते होंगे। दीज आर द एनिमल फ्राइज। तो काफी लोग सोच रहे होंगे शायद ये इसमें रणबीर कपूर निकलेगा। नहीं, जैसी आपकी कुछ सॉस होती है ना, वैसे एनिमल एक नाम की सॉस है विच इज वेजिटेरियन, तो इसमें कुछ नॉनवेज नहीं है। दिस इज जस्ट अ सॉस, अ क्लासिक सॉस कॉल्ड एनिमल सॉस। वाओ, अब अनबॉक्स करते हैं इनके चिकन विंग्स। अच्छे से क्रिस्पी हो रखे हैं एंड लेट्स टेस्ट दिस। काफ़ी अच्छी ब्रेडिंग है, नाइस। और जो ये सीजनिंग है ना, इट्स अ गेम चेंजर। दिस इज चिकन पॉपकॉर्न, मतलब ये मेहनत फ्री वाला चिकन है, नो बोन नथिंग। अब ये देखो डिलीवरी में आया है लेकिन स्टिल क्रंची। वाओ भाई, मुझे तो कोरियन विंग्स ना काफी अच्छे लगते हैं एंड आज आपको पता लगेगा ग्लव्स पहनने का असली फायदा। वाओ, स्वीट स्पाइसी उमामी फ्लेवर, और जो ऊपर सेसमे इन्होंने जो स्प्रिंकल कर रखा है, दैट्स एडिंग अनदर लेवल ऑफ फ्लेवर। सो समथिंग फॉर वेजिटेरियंस ऑल्सो, स्मोक्ड अनियन रिंग्स। नेक्स्ट देखते क्या निकलते हैं। दिस इज द लुईस बीस चिकन बर्गर एंड दिस इज द मॉन्स्टर चीज बर्गर। सबसे पहले चिकन बर्गर निकालते हैं। तो वेजिटेरियंस भी डिसअपॉइंट ना हो, देयर लॉट ऑफ वेज फूड ऑल्सो। ये देखो, पैकिंग इज वेरी गुड एंड यू डोंट नीड अ प्लेट। अगर ऐसे ही अच्छे से पैकिंग में आया तो जस्ट नीड टू ओपन दिस। लुक एट द मेगा साइज ऑफ दिस बर्गर। इसको बीच में से कट करते हैं बिकॉज देखो पूरा तो मेरे से खाया नहीं जाएगा एंड यू नो आई एम अगेंस्ट फूड वेस्टेज। एंड अंदर से पता लगे ना कैसा है ये। So the way to eat up is कि इसको आप अच्छे से यू प्रेस करो
एंड यू टेक अ बाइट। मतलब जूस टपक रहा है बर्गर में से, दिस फकिंग गुड। नेक्स्ट इज द मॉन्स्टर चीज बर्गर। तो देखो इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं एंड दिस हैज अ सनी साइड एग, पिकल्ड अनियन, जालापेनोस एंड बेकन। लुक एट दिस, ये देखो लेयर, जितने मल्टीपल लेयर बर्गर्स में होते हैं ना कि आपको दिख रहा है कि कितना कलरफुल है, उतना ही टेस्टी होता है, बिकॉज उतने सारे फ्लेवर्स के एलिमेंट होते हैं, मुंह में जाके बर्स्ट होते हैं। टेस्ट अमेजिंग, जस्ट वाओ। मतलब जो बेकन का जो फैट है, जो टेस्ट है लैम का, अमेजिंग। जो ये स्मैश करके लैम की पैटी बनाई गई है, नेक्स्ट लेवल। सो वी हैव द वेगन ग्रैटिट्यूड बर्गर। वेगन, वेज भी नहीं, वेगन। एंड वी हैव कैलिफोर्निया अवाकाडो बर्गर। पर्सनली यू नो कि आई लव अवाकाडो, तो सबसे पहले इसको ही टेस्ट करेंगे। और मैंने कहा था वेजिटेरियन डिसअपॉइंट ना हो, दे आर वेरी यूनिक एंड स्पेशल बर्गर फॉर वेजिटेरियन एज वेल। वाओ, देखो देयर इज अ वेरी थिक पैटी चीज, ये देखो अवाकाडो। दिस इज वेरी नाइस, मतलब काफ़ी टेस्टी है। और जो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था अवाकाडो इतना अच्छा और टेस्ट करेगा बर्गर के अंदर। और दिस इज़ अ मैक्सिकन पैटी जिसमें आपके बीन्स हैं, किडनी बीन्स। वेरी नाइस, वाओ। आई थिंक मैंने इससे अच्छा वेजिटेरियन बर्गर नहीं खा रखा, मतलब फ्रॉम अ प्रीमियम ब्रांड। वेरी नाइस। एंड दिस इज द वेगन बर्गर। जिनको नहीं पता वेगन क्या होता है, तो वेगन मीन्स नो एनिमल प्रोडक्ट, तो इसमें चीज़ नहीं हो सकता जो एनिमल चाहे यानी दूध से बने। इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो सकता, अंडा तो बहुत दूर की बात है कि। एंड ये देखो, वाओ, देखो इसमें चेरी टोमेटोज हैं, अमेजिंग पैटी। उसको टेस्ट करते हैं अब। एंड दिस इज़ अ बीटरूट पैटी, देखो अपने आप में एक आर्टवर्क लग रहा है। देखो ये कलर देखो अंदर से, दिस रेड चेरी टोमेटोज। देखो एकदम बिल्कुल फ्लेवरफुल वाला बर्गर खाने का पूरा एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द वेगन पीपल। बट अच्छा ये, जितने मैंने वेगन बर्गर्स खाए उससे तो बेटर है, बट एकदम आप लैम मॉन्स्टर बर्गर खाओ फिर ये खाओ तो फिर टेस्ट प्रोफाइल काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। बट दिस इज स्टिल वेरी नाइस बर्गर। तो गाइस हमारे पास अब एक बड़ा यूनिक बर्गर रह चुका है, विच इज द कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर। मॉन्स्टर चिकन पैटी लग गया, देखो तो बिल्कुल एक बोनलेस चिकन पीस को क्रश करा गया है, उसको कोरियन सॉस में डिप करा गया, ऊपर से सेसमे डाला गया है। एंड वाओ, आई लव पैनेशन फूड एंड मेरे हिसाब से अब तक जितना मैंने फूड खाया है दिस इज़ माई फेवरेट, मतलब ऑन टॉप। इफ आई हैव टू ऑर्डर दिस एवरी वीक आई विल ऑर्डर द कोरियन बर्गर। स्वीट एंड सॉस सेवरी फ्लेवर हो। तो मैंने सुना है इसमें वेज भी आता है, विच इज़ अ कोरियन कॉटेज। दिस इज माइंड ब्लोइंग।
सो गाइस ग्लव चेंज कर लिए बिकॉज अब जो चीज़ है वो सही में आपने वीडियोस में देखा होगा कि लोग जब यू नो एलवी का बैग या कुछ ऐसा शोकेस करते हैं तो वो ग्लव्स पहन के करते हैं कि उनके हाथ के निशान ना आ जाए. तो ये जो बर्गर्स है ना ये उसी कैटेगरी के, दीज आर लाइक आई वुड से ये लग्जरी बर्गर्स है. लाइक इससे महंगे बर्गर्स और इससे वेल थॉटफुल बर्गर्स आई थिंक ऑनलाइन नहीं मिलेगी आपको. ये 888 का एक है, टैक्स लगा के 950 के आसपास का बर्गर बनेगा, 950 रुपये का एक बर्गर है. एंड दीज आर लाइक रियली रियली लग्जूरियस बर्गर्स. एक है इसमें लैम ग्रैंड रॉयल और एक है हमारे पास ट्रफल टेक बर्गर. तो आई वुड से कि जिनको तो ट्रफल खाने का शौक है उनके लिए तो ये जन्नत होने वाली है. Let's start with a vegetarian one. And this is, देखो ये देखो ये देखो. और अब मैं जो हटाऊंगा ना इसका, जस्ट इसको ना बीच में से कट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब कट कर दिया तो ये बोगस पॉल हो जाएगा. मैं 3, 2, 1. आप लोग कमेंट करके बोलते हो इतना महंगा बर्गर है क्या सोना चांदी से बना रखा है, तो उसका जवाब है हाँ. तो ये सही में सोना चांदी वाला बर्गर है. इसमें 24 कैरेट एडेबल गोल्ड है. ये अगर आप गोल्ड लेने भी जाओगे ना घर पे, हम हमारा स्टूडियो है हम ये यूज़ करते हैं, ये कम से कम आपको प्राइस 300 से लेके 500 रुपए तक मिलेगा. एंड इन्होंने इसमें ट्रफल भी डाल रखा है जो मैं देख रहा हूँ. देखो तो ये जो मैं आपको एक हल्का सा हटा के दिखाता हूँ विदाउट, ये देख रहे हो ट्रफल स्लाइस करके डाल रखे है. और ये ट्रफल ही ट्रफल इसमें कम से कम आप मान लो अगर 1, 2, 3, 4 है, 300-400 के ट्रफल है, 300-400 का ये है. आपकी दुश्मनी उस ब्रांड से ना तो यही मंगवाना दिन रात, इनको मेरे से कुछ नहीं बचता इतने लग्जरियस बर्गर पे. सो सम थिंग्स आर जो शेयर नहीं करते लाइक दिस कोल्ड बर्गर, तो उसको काट नहीं रहे. वैसे कोल्ड आज की डेट में 75 लाख रुपए किलो है गाइस. इसको खा या इन्वेस्ट कर. इसमें जो उमामी फ्लेवर है ना, आई थिंक पूरे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डिलीवरी में सिर्फ एक ही बंदा ये काम करता है, विच इज़ जोरावर कालरा. तो एक्स जज ऑन मास्टर शेफ, इज बीन टू बिग बॉस हाउस ऑल्सो एज अ मल्टीपल टाइम्स एंड वेल नोन फेस एज अ सेलिब्रिटी इन द इंडस्ट्री. सो आई थिंक ओनली ही कैन सेंड गोल्डन बर्गर्स इन डिलीवरी. दिस इज यम. मतलब यही अगर तुम 5-star में ये बर्गर खाने जाओगे ना, ये बर्गर 3-4 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगा. दिस इज द लास्ट बर्गर. एंड मैं आपको बताता हूँ अगर आपने इसको निकालना हो ना तो ये खुलेगा नहीं. द बेस्ट वे इज इसको पकड़ो बटर पेपर को, ऐसे स्लाइड करो, बस हाथ लगाया तो बर्गर चला जाएगा आपका. And look at this beauty. मैं जैसा वेबसाइट पे दिखता ना वैसे ही आता है. तो ये जो मशरूम है इसको शिमजी मशरूम बोलते हैं, वन ऑफ द प्रीमियम वराइटीज ऑफ मशरूम. काफी उमामी फ्लेवर होता है इसका. दिस इज एन एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स, जो लैम का लैम फैट और ट्रफल मशरूम्स, ऐसा धमाका हो रहा है मुंह के अंदर फ्लेवर्स का. नाउ ग्लव्स आर गोल्ड. हमने इसके साथ दो डिजर्ट्स मंगवाई थी, वन इज द चोको लावा केक एंड वन इज द कैरेमल चीज केक. यही पे खोलेंगे बिकॉज अगर निकाल दिया इसको पकड़ के तो. वेरी नाइसली डन चीज केक. आई थिंक टाइम पे जब नए नए चीज़ केक आए थे तो एवरी वन लव द चीज़ केक एंड दिस इज़ अ वेरी गुड चीज़ केक. दिस इज़ द चोको लावा केक. लेट्स डिग इन. सो गाइस ये था द बेस्ट गोमे बर्गर्स इन दिल्ली एनसीआर, आई वुड से इवन इन इंडिया, बिकॉज मैं काफ़ी जगह ट्रैवल करता हूँ. मैंने इससे अच्छे बर्गर्स डिलीवरी के अंदर नहीं देखे. इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर, बिकॉज आप इतने सारे बर्गर्स नहीं मंगाओगे, माई टॉप 3 रिकमेंडेशन आर
लुइस बीस्ट चिकन बर्गर विच वॉज फैंटास्टिक. सेकेंड वन वुड बी कोरियन चिकन बर्गर, अमेजिंग स्टफ. एंड आई वुड से नंबर वन पे इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर बर्गर तो वो था वेजिटेरियन वाला बर्गर विच वॉज द कैलिफोर्निया अवोकाडो बर्गर विच वॉज वेरी गुड. तो ये रैंकिंग में नहीं है, दीज आर टॉप थ्री रिकमेंडेशन. बट इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड रियली ऑन अ बर्गर तो ये लैम्ब वाला बर्गर भी काफ़ी टेस्टी था, बट एक्सपेंसिव बट वेरी नाइस. और साथ में अगर आप चाहे नॉर्मल बर्गर मंगाओ, बट डू ट्राई द ट्रफल फ्राइज. आपको एक्सपीरियंस होगा कि अच्छे जगह पे आप जाके जब फ्राइज खाओगे तो कैसा एक्सपीरियंस होगा. मतलब दे हैव एलिवेटेड द एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रेंच फ्राइज. जो ओजी फ्रेंच फ्राइज उसका एक्सपीरियंस कैसे इन्होंने बढ़ा दिया. तो अगर आप इनका इकोनॉमिकल बर्गर भी ले रहे हो ना तो वो ट्रफल फ्राइज जरूर मंगवाना. इट वुड एनहांस योर एक्सपीरियंस, जस्ट अमेजिंग. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. शेयर सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड. With the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like, here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say.